गाजियाबाद में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा का आशीर्वाद के घंटा घर रामलीला मैदान से शुरू होकर मुख्य बाजारों में घूमकर नवयुग मार्केट पर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा को प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। वहीं इस तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक का कहना है कि यह कानून नागरिकता देने का है, ना कि नागरिकता लेने का। इसलिए नागरिकता संशोधन कानून को सभी को समर्थन करना चाहिए। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, किसके लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? आप देख रहे हैं कि CAA के समर्थन में कैसे जनसैलाब गाजियाबाद का उमड़ा है। लोगों को जागरूक करने के लिए इसके समर्थन में यह यात्रा निकली है। जिस तरह से विपक्षी दल और कल ही कांग्रेस की कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया, वे कहती हैं कि CAA समाज तोड़ने वाला है। मेरा आग्रह है कि कांग्रेस के मेरे साथी यह स्पष्ट करें कि CAA के लागू होने से कैसे समाज टूट रहा है। यह भ्रम का वातावरण क्यों बना रहे हैं? जो लोग भी इस देश में पिछले पाँच वर्षों से हैं, उन्हें नागरिकता देने का है। इससे किसी की नागरिकता जा नहीं रही है, ये देने का प्रश्न है, लेने का नहीं। नहीं तो देश में अराजकता नहीं है भाई, देश में कानून है, देश कानून और संविधान से चलेगा। मैं मेरी मर्जी थोड़ा है कि मैं ये कानून मानूंगा नहीं मानूंगा, कानून बनाने में मेरी भूमिका हो सकती है, मेरा विरोध हो सकता है, लेकिन पर जो देश का कोई कानून है तो कानून तो हमको भी मानना पड़ेगा, उन्हें मानना पड़ेगा। अब ये कानून है।